5 जनवरी को बिहार की राजनीति में नया मोड़ तब आया जब बिहार के सीएम ने अपनी वीआईपी कुर्सी हटाकर सबसे छोटी कुर्सी मंगाई और उस पर बैठ गए। उनके इस अंदाज से कार्यक्रम में मौजूद दोनों डिप्टी सीएम और बड़े बड़े सरकारी अफसर दंग रह गए। यह अनोखा नजारा पटना में चल रहे एक कार्यक्रम में देखने को मिला। इस नजारे ने हर किसी के मन में एक सवाल खड़ा कर दिया और कुछ इसे समझने में ही लग गए कि आखिर ये हो क्या रहा है। लेकिन माना जा रहा है कि अरुणाचल में 6 जदयू विधायकों के बीजेपी में शामिल होने के बाद बिहार में उनको लेकर विपक्ष द्वारा लगाई जा रही अटकलों के बीच नीतीश कुमार इशारों ही इशारों में संदेश दे रहे हैं। बता दें कि पटना में मंगलवार को जल जीवन हरियाली कार्यक्रम चल रहा था। इस कार्यक्रम में बीजेपी नेता और डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद, रेणु देवी, ग्रामीण विकास मंत्री विजय चौधरी सहित सभी विभागों के प्रधान सचिव मौजूद थे। मंच पर लगाई गई कुर्सियों में नीतीश कुमार की कुर्सी सबसे ऊंची और बड़ी थी। नीतीश कुमार जब इस कुर्सी पर बैठे तो उन्होंने असहज महसूस किया। इसके बाद तत्काल वो कुर्सी से उठकर खड़े हो गए, अपनी कुर्सी हटाकर सबसे छोटी कुर्सी मंगाई और उस पर बैठे। इसे देखकर कार्यक्रम में मौजूद डिप्टी सीएम समेत सभी लोग चौंक गए। कोरोना काल में यह पहला मौका था जब जल जीवन हरियाली के तहत सीएम नीतीश कुमार अधिवेशन भवन में किसी बड़े सरकारी कार्यक्रम में शामिल हुए थे। चुनाव नतीजों के बाद से ही सीएम पद को लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है, क्योंकि जदयू संख्या बल के हिसाब से तीसरी पार्टी है। वहीं नीतीश कुमार लगातार ये संदेश देने में जुटे हुए हैं कि उन्हें सत्ता से कोई लालच नहीं है, वो सिर्फ लोगों के लिए काम करना चाहते हैं। पटना में नीतीश कुमार द्वारा उठाए गए इस कदम से उन्होंने एक मजबूत संदेश देने की कोशिश की है। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइए। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।